हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए बनाना शुरू करें। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच हंकर डालेंगे, फिर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच भुना हुआ बेसन, 1 चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हंकर का यूज किया है, जो नॉर्मल घर का दही होता है उसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया था, इससे ही हमारा ये हंकर बनता है जो पनीर टिक्का बनाने के लिए यूज होता है। अब सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा है तो आप यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना पानी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मैरिनेशन का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल ना हो तो आप यहाँ पे नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मैरिनेशन मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। फिर इसमें ऑनियन डालेंगे, जिसको मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, और इसमें कैप्सिकम के बड़े पीसेस करके डाल देंगे। अब यहाँ पर पनीर, कैप्सिकम और ऑनियन को मसाले के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला इस पे कोट हो जाए। इसमें आप बॉयल पोटैटो और मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पनीर टिक्का बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पनीर के साथ कैप्सिकम और ऑनियन ही लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा सारा मसाला अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब इसे हम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे, ताकि सारा मसाला इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए और हमारे मसाले का सारा टेस्ट पनीर और सारे वेजीज में आ जाए। अब हम एक चटनी बनाएंगे जो पनीर टिक्का के साथ सर्व होती है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है। अब एक मिक्सी जार में 1 कटोरी पुदीना और 1/2 कटोरी धनिया लिया है। अब इसमें 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच दही डालेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी पुदीना की चटनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट बाद ये हमारा मसाला अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब इसे हम एक बार फिर से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बारबेक्यू स्टिक ली है, आपके पास नहीं है तो आप वुडन की स्टिक आती है वो भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट पैन पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम पहले ऑनियन, फिर इसमें कैप्सिकम, फिर पनीर डालकर इसका एक लेयर तैयार करेंगे। पनीर डालने के बाद फिर इसमें हम ऑनियन, कैप्सिकम और पनीर का लेयर बना देंगे। इस तरह हम पूरी स्टिक में ऑनियन, कैप्सिकम और पनीर की एक लेयर बना देंगे और हमारी स्टिक तैयार कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी बारबेक्यू स्टिक भी तैयार कर देंगे, उसमें भी कैप्सिकम, ऑनियन और पनीर का लेयर करके एक स्टिक तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों स्टिक रोस्ट होने के लिए तैयार है। अब हम
गैस ऑन करके यहाँ पे हमने जो बारबेक्यू स्टिक तैयार की है उसको हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसको हम चारों तरफ से घुमाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि ये जल ना जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई जाली हो तो उस पर भी आप इस तरह से हमारी स्टिक को रोस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करते टाइम हमें इसे चारों तरफ घुमाते हुए रोस्ट करना है ताकि ये जल ना जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमारी बारबेक्यू स्टिक अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। हमारे सारे वेजीज और पनीर अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इसी तरह हम हमारी दूसरी बारबेक्यू स्टिक है उसे भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ये बारबेक्यू स्टिक अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। तो तैयार है हमारा पनीर टिक्का। इसे हम पुदीना चटनी और लच्छा प्याज के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।